नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी शिक्षार्थियों के लिए जो है वो PCP की क्लास स्टार्ट होने वाली है जल्द ही, और बहुत सारे जगहों पर स्टार्ट भी हो चुकी है। तो जहां पर स्टार्ट हुई नहीं है उन लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर हम लोगों को जो स्टडी सेंटर पर वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ ले जाने हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि हमारा स्टडी सेंटर जो है वो बहुत काफ़ी दूर हो चुका है, तो वहाँ जाना और फिर वहाँ से वापस आना किसी डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे पहले इन सब को डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ अरेंज कर लें, उसके बाद ही अपने स्टडी सेंटर पर जाएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को स्टडी सेंटर पर लगने हैं। दोस्तों, जब आप स्टडी सेंटर पर जाएंगे जहां आपकी PCP स्टार्ट हुई है, तो वहां जाने के बाद आपसे आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ ज़रूर ले जाने हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं मैं आपको उसकी लिस्ट बताता हूं। दोस्तों, हो सकता है कि आपको स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग सके, या जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इनमें से कोई एक या दो आपसे ना मांगा जाए, या और भी कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगा जा सकता है। लेकिन मैं जो यहाँ पर लिस्ट बता रहा हूँ उसमें से सारे कॉमन है और लगभग सभी स्टडी सेंटर पर आपसे मांगे जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा वो है ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति। दोस्तों, याद होगा जब आपने DLED कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको एक प्रिंट भी मिली होगी। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, फाइनल सबमिट कर दिया था, आपका एनरोलमेंट नंबर आपको मिल गया था, तो आपने एक प्रिंट कॉपी की थी जिसमें आपका नाम, डिटेल्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वो किस तरह का होगा, ये देखिए, ये आपका ऑनलाइन आवेदन जो आपने किया था उसकी प्रिंट है। तो ये आपको सबसे पहले रख लेना है, और इसकी दो कॉपी करनी है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसको सबकी दो दो कॉपी करनी है, और इसको कैसे सेट करना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि कैसे इसको फाइल करना है, और फाइल के ऊपर फ्रंट पेज पे भी कुछ लिखना है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले ये हो गया ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति। अब दोस्तों बोल रहे हैं, बहुत सारे सवाल करने वाले शिक्षक ऐसे भी हैं, वो बोलते हैं कि हम लोगों ने तो कोई प्रिंट ही नहीं ली थी, और हम लोगों के लिए निकाली भी थी वो भुला गया है, या कहीं गुम हो गया, या कहीं रखा हुआ खो गया, मिल नहीं रहा। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाल दिया है बहुत पहले ही, उसकी वीडियो भी मैंने एक अलग से बता दी है। उसके बावजूद भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपको क्या करना है कि सिर्फ उस वीडियो को देखना है, और जैसे उस वीडियो में बताया गया है आप वैसे ही फॉलो करेंगे, आप अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट दोबारा से कर सकते हैं, और बड़े आसानी से। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना रेफरेंस नंबर वहां पे डाल देना है। इस तरह से आप अपने ऑनलाइन आवेदन की प्रति निकाल सकते हैं दोबारा से, चाहे जितनी बार चाहे आप अपना कॉपी निकाल सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लोगों ने नहीं निकाली थी, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप दोबारा से उसे निकाल सकते हैं, और मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा। सिर्फ आप उस लिंक को कॉपी कर लेना, और उस लिंक के लास्ट में जो है एक रेफरेंस नंबर दिया होगा, उस रेफरेंस नंबर को मिटा करके अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे, और आप उसको किसी वेब ब्राउज़र में पेस्ट करके उसे क्लिक कर देंगे, तो आप अपने ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट वाले साइट पे सीधे पहुंच जाएंगे, और आपको नीचे में प्रिंट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये पहला हुआ। उसके बाद दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है हम लोगों का परिचय पत्र, यानी कि ID कार्ड। ये ID कार्ड वो है जो हम लोगों को NIUS ने जारी किया है, ये कई महीने पहले ही, 2 महीने पहले ही लगभग सभी को जारी कर दिया गया है। जिन लोगों ने प्रिंट कर लिया है उसकी 2 कॉपी अपने पास रखेंगे, और जिन लोगों ने प्रिंट नहीं किया है वो अभी जाएं और वहां से अपना परिचय पत्र डाउनलोड कर ले। परिचय पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर सिर्फ आपको क्लिक करना है, और आप सीधे परिचय पत्र वाले वेबसाइट पर चले आएंगे, और आपको वहां पर अपना डिटेल्स भरना है, और अपना जारी किया हुआ NIUS के द्वारा ID प्रूफ जो थी, जिसे हम लोग प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते हैं, उसे प्रिंट कर लेना है। ये 2 महत्वपूर्ण हो गए। उसके बाद आता है दोस्तों तीसरा, वो है आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, उसकी 2-2 छाया प्रति आपको रखने हैं। छाया प्रति का मतलब दोस्तों यहाँ पे फोटोकॉपी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसकी 2-2 कॉपी सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की आपको ले लेनी है। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपके आएंगे क्या, आपने DLED रजिस्ट्रेशन के समय अपना क्वालिफिकेशन क्या दिया था, इंटर दिया था या स्नातक दिया था या
पोस्ट ग्रेजुएशन दिया था, आपने जो भी दिया था उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स ले लेना है। अगर आपने इंटर दिया था तो आपको मैट्रिक और इंटर की सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दिया था तो आपको उसी हिसाब से चाहिए, यानी मैट्रिक से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक अगर आपने फॉर्म भरते समय पोस्ट ग्रेजुएशन दिया है तो सबकी आपको क्या करनी है, सबकी मार्कशीट, सबके मूल प्रमाण पत्र और सभी के एडमिट कार्ड, ये तीनों जो है कम से कम आपको दो दो कॉपी में ले लेने हैं। और उसके बाद दोस्तों सभी प्रमाण पत्र पे आपको स्व भी प्रमाणित करनी होगी, जिसको हम लोग सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। सेल्फ अटेस्टेड अपना सिग्नेचर और डेट दोनों दे देंगे उसमें और उसको अपने पास रख लेंगे। ये हमारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो गया, यानी कि मैट्रिक से लेकर के जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, चाहे इंटर हो या ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आपको वहाँ तक की सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जिसमें आपके मुख्य रूप से होंगे आपके मार्कशीट, आपके एडमिट कार्ड और आपके मूल प्रमाण पत्र जो निर्गत किए जाते हैं यूनिवर्सिटी से और कॉलेज से। कि उसके बाद दोस्तों चौथा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हम लोगों के लिए, वो है नियोजन पत्र की छाया प्रति। नियोजन पत्र जिसको हम लोग ज्वाइनिंग लेटर बोलते हैं, वो ज्वाइनिंग लेटर भी आपको दो कॉपी रखनी है फोटोकॉपी करा करके। जिन लोगों के पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कह के बना लें और उसकी दो कॉपी अपने पास रख लें और उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर लें और इसकी भी दो कॉपी आप रख लें। लेकिन दोस्तों जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे उन सब की दो दो कॉपी बनाएंगे, ध्यान से ये बात रखना, क्योंकि वहाँ पे दो फाइल मांगे जा रहे हैं। हो सकते हैं किसी किसी स्टडी सेंटर पे आपको तीन फाइल भी मांगे जा रहे हैं, तो कम से कम ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आप जीरोक्स करा के उसकी कितनी भी कॉपी बना सकते हैं। उसके बाद पाँचवें नंबर पर आता है विद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये क्या है, तो ये फॉर्मेट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। वहाँ पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, ये फॉर्मेट आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे अपना नाम, अपना गांव का नाम, या फिर आप शहर में रह रहे हैं तो अपने मोहल्ला का नाम, और उसके बाद अपना पोस्ट, थाना, जिला और राज्य, ये सब भर करके अपने स्कूल के प्रिंसिपल से या आपके स्कूल के जो प्रभारी है उनसे यहाँ पे साइन और मुहर करा लेंगे और वो हो गया आपका स्कूल द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। ये आपका पांचवा इंपॉर्टेंट हो गया। आपको इसके लिए कहीं जाना नहीं है, आपको नीचे फॉर्मेट मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर अपने प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापक द्वारा साइन मुहर करा करके इसकी दो कॉपी रख लेंगे। उसके बाद छठा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है फ़ोटो, यानी कि आपको रंगीन फ़ोटो निकालना है वो चार कॉपी में। अगर आपने फ़ोटो नहीं निकाली है या आपके पास फ़ोटो है तो आप वो चार फ़ोटो रख लें। कोशिश की जाए कि आप वही फ़ोटो दें जो NIUS के DLED में रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने दिया था, वही फ़ोटो रहेगा दोस्तों तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास वो फ़ोटो नहीं है या ख़त्म हो गई हो तो उसी की कॉपी निकालने ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर नहीं है तो फिर अन्य कोई फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ में होगा लेकिन रंगीन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगली टॉपिक आती है सातवां, वो है आधार कार्ड या फिर कोई अन्य ID प्रूफ। दोस्तों आधार कार्ड हर जगह इसलिए मांगा जाता है क्योंकि आधार कार्ड का कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता है, कोई किसी और का आधार कार्ड यूज नहीं कर सकता है, इसलिए ज़्यादातर जो हम लोग ID प्रूफ में मांगते हैं वो खास करके आधार कार्ड ही मांगा जाता है। और हम लोगों ने जब DLED कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो उसमें भी हम लोगों को आधार कार्ड नंबर या फिर अपना वोटर ID कार्ड ही मांगा गया था खास करके। वो कुछ स्टेट थे जहां सिर्फ वोटर ID कार्ड देने थे, बाकी अन्य राज्यों में आधार कार्ड देना था। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास ऐसा भी हो, कोई हो जो आधार कार्ड नहीं रखता हो, तो लगभग सारे लोगों के पास आधार कार्ड है। और जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो अपना वोटर ID कार्ड ले लें और उसकी दो जीरोक्स करा करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर लें और उसकी दो कॉपी अपने पास रखें। अगर किसी के पास आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड भी नहीं है तो कोई और ID प्रूफ जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई हो, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, तो इस तरह के कोई और डॉक्यूमेंट्स ले लें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आता है वो है जाति और निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं और आपने DLED के रजिस्ट्रेशन में आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट किया है, तो आपको अपने साथ जाति प्रमाण पत्र भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे तो सेलेक्ट किया रिजर्वेशन, तो आपको तो प्रूफ दिखाना है, उसका प्रमाण पत्र ले जाना है। तो ये जाति प्रमाण पत्र सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं और जिन्होंने DLED में रजिस्ट्रेशन के समय अपने कैटेगरी को सेलेक्ट किया था, चाहे वो SC हो या ST हो या OBC हो या फिर कोई अन्य रिजर्वेशन कैटेगरी आपने अगर सेलेक्ट किया हो, तो आप जाति प्रमाण पत्र साथ ले लें। और साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र लेना है, जिसको हम लोग आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं, जो हम लोग को अंचल अधिकारी से मिल जाता है। तो ये निवास प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र हम सभी को लेने हैं, चाहे वो
उसके बाद एक आखिरी दोस्तों डॉक्यूमेंट्स है, वो है आपका स्टडी सेंटर अलॉटमेंट वाला जो प्रिंट है उसको निकाल लेना है। यानी जब आप अपना रेफरेंस नंबर डाल करके अपना स्टडी सेंटर चेक करते हैं तो उसमें जो स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर की डिटेल्स और स्टडी सेंटर नाम और जगह जो लिखता है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपका स्टडी सेंटर का डिटेल्स यहाँ पे बताता है, ये रेफरेंस नंबर डालने से आपको पता चल जाता है और ये आपने चेक किया और आपको कैसे प्रिंट करना है इसको बताने की जरूरत नहीं है। बस इसकी एक प्रिंट कर लेना आप इस पेज पर के जब इस पेज पे आ जाते हैं तो आपको सिर्फ कंट्रोल और पी दबाना है, आप इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रख लेना है क्योंकि ये प्रूफ होना चाहिए कि आपको इसी स्टडी सेंटर पर दिया गया है। तो ये आखिरी डॉक्यूमेंट्स था। उसके बाद आपने जो अपना असाइनमेंट बनाया है, जिसकी 3 कॉपी हम लोगों ने 3 फाइल बनाई है, वो असाइनमेंट भी अपने साथ ले लेंगे। और असाइनमेंट वहाँ पे जमा अगर हो रहे होंगे तो असाइनमेंट जमा करने हो सकती है, पहले दिन ना हो दूसरे दिन हो तो आप उसे अपने साथ ले जाना। अगर पहले दिन होगा तो आप उसे जमा कर देना और उसकी एक प्राप्ति रसीद भी आपको मिलेगी। तो असाइनमेंट भी आपके लिए ज़रूरी है, वो अपने साथ याद से ध्यान से ले जाना साथ में दोस्तों। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ ले जाने हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये बता दूँ कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी अपने साथ ले जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखें, क्योंकि हो सकता है स्टडी सेंटर पे वेरीफाई करने के लिए सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्या, बहुत सारे फर्जी टीचर भी हैं जो इस NIOS के द्वारा जो है कर रहे हैं ट्रेनिंग, जबकि वो किसी स्कूल में पढ़ाते नहीं है और ना ही शिक्षा के, बल्कि वो किसी से UDIS कोड लेकर के अपने को रजिस्ट्रेशन कर लिया उन लोगों ने। तो वैसे लोगों की थोड़ी सी जांच चल रही है अभी यहाँ पे, तो आप अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और उसकी ओरिजिनल कॉपी ले जाएं। अब क्या करना है दोस्तों, 2 फाइल लेनी है। अब 2 फाइल किस तरह की लेनी है, तो आपको मार्केट में आसान से लीफ वाली फाइल मिल जाएगी जिसमें टैग लगे होते हैं, धागे लगे होते थे, वो 2 फाइल आपको मिल जाएगी मार्केट में 5 रुपये की। आप 2 फाइल उस तरह से ले लें और दोनों फाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को धागा के साथ टैग कर लें, सबको बांध लें। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि एक फ्रंट पेज तैयार कर लेना है। हालांकि आपको तैयार नहीं करना है, वो फ्रंट पेज भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इसे प्रिंट कर ले। उस फ्रंट पेज को निकालेंगे और उस पर अपने जो भी डिटेल्स है वो भर देंगे, जैसे कि आपका नाम होगा, अपने स्टडी सेंटर का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, और भी इसमें डिटेल्स जो साफ साफ हिंदी में लिखी हुई है, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देख सकते हैं आप, इस तरह के फॉर्मेट हैं। इसको आपको प्रिंट कर लेनी है और आपके दोनों फाइल पे ऊपर में फ्रंट पे जो है उस पर चिपका देना है और ये 2 फाइल तैयार करके अपने साथ ले जाना है दोस्तों। हो सकता है कि आपसे कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी मांगे आपके स्टडी सेंटर वाले, तो आपको करना क्या है कि जिस दिन आपको जाना होगा अपने स्टडी सेंटर में, उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप अपने स्टडी कोऑर्डिनेटर को फ़ोन करेंगे और उनसे एक बार कन्फर्म हो लेंगे कि क्या कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांगा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आपका स्टडी सेंटर बहुत दूर हो सकता है, 40, 50, 60, किसी का 90, 100 तक भी है, तो आपको वहाँ पे जाना और फिर वहाँ से रिटर्न हो जाना किसी एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप एक बार कंफर्म हो लेंगे, हालांकि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने 8 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये लगभग सारी सेंटर पे मांगा जा रहा है और इसके अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। तो आप एक बार अपने स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर जो हैं उनसे कन्फर्म हो लें कि कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है कि नहीं। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप उसे एक बार अपने पास रख लेना, उसे खुद से एक बार वेरीफाई कर लेना और सबको जो है वो सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर लेना, स्वयं अभिप्रमाणी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अपना सिग्नेचर और डेट दे देना। और दोस्तों अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रख करके अपने स्टडी सेंटर पर जाना। तो ये दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं आगे के वीडियो में, धन्यवाद।